कैसे हो? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होगा। तो आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा, या मैं कहूं मैं एक छोटे से टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, विच इज कॉल्ड एज अ टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। आई स्टार्ट विद अ टॉपिक विच इज कॉल्ड एज अ टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। आप सब लोग जानते होंगे प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है वी आर इनवाइटिंग द पर्संस। हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ हमारे शेयर्स परचेस करो, हमारी सिक्योरिटीज परचेस करो। और जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू हमने ये इनवाइट किया है, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज अ प्रोस्पेक्टस। उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। तो वो काफी सारे तरीके का होता है, एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। जैसे एक है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, फिर आता है आपका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, फिर आपका आता है ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स बाय मेंबर्स, इसे डीम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। एब्राइज प्रोस्पेक्टस, जिसे मैं एक छोटा छोटू प्रोस्पेक्टस बोल देता हूं। फिर एको टाइप का आ जाता है जिसे हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोल देते हैं। इसे हम बोल देते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। और ये जो बेटा जो प्रोस्पेक्टस होता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ये एक्चुअली में ना दो तरीके के हैं। एक 25 वाला है, इस सेक्शन नंबर 28 हो गया, शेल्फ हो गया सेक्शन नंबर 31, आपका 28 हो गया, रेड हियरिंग हो गया आपका सेक्शन नंबर 32, और एब्राइज्ड हो गया आपका सेक्शन नंबर 33। बेटा मैं एक एक करके इन प्रोस्पेक्टस के बारे में डिस्कस करता हूं। ये है क्या? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करें बेटा? एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस। Bless me. सेक्शन नंबर 33। एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस को मैं नाम से बोलता हूं छोटू प्रोस्पेक्टस। छोटू प्रोस्पेक्टस। सर एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस होता क्या? मेरा प्रोस्पेक्टस एक काफी बड़ा डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। एक तरीके से कंपनी की जन्म कुंडली होती है। कम से कम 400 पेजों, कुछ कंपनी का 350 पेजों का, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कोई 400 पेजों का प्रोस्पेक्टस होता है, कोई 300 पेजों का प्रोस्पेक्टस होता है। तो इट इज नॉट इजी फॉर द कंपनी। तो भैया जब भी आप शेयर एप्लीकेशन दो, आप जो है कंपनी का क्या दे रहे हो, कंपनी आपको प्रोस्पेक्टस दे रही है, उसमें कंपनी काफी कॉस्ट लगेगी। तो इससे अच्छा क्या है कि जो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ एक छोटू प्रोस्पेक्टस दे दिया जाए, जैसे हम बोलते थे एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस। एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस विच कंटेन द समरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस, एक सिंपल फॉर्म में। एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस विच कंटेन द समरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस। एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस क्या था? छोटा प्रोस्पेक्टस।
बेटा आज जब भी कोई भी शेयर एप्लीकेशन फॉर्म या डिबेंचर एप्लीकेशन फॉर्म आप खरीदने जाते हो, उसके साथ कंपल्सरी है कि एब्राइज प्रोस्पेक्टस अटैच होगा ही होगा. इट इज कंपल्सरी दैट एब्राइज प्रोस्पेक्टस मस्ट बी अकंपनी विद द शेयर एप्लीकेशन फॉर्म. अगर शेयर एप्लीकेशन फॉर्म या मैं इसको एक सिंपल सी भाषा में सिक्योरिटी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अगर आप अटैच नहीं करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी अट्रैक्ट हो सकती है 550,000 rupees पर ईच डिफॉल्ट के. इसका मतलब क्या हुआ? एब्राइज प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस विच कंटेन द सर्टेन डिटेल्स विच इज एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेबी. मतलब एब्राइज प्रोस्पेक्टस के अंदर जो डिटेल है दैट हैज बीन गिवन बाय द सेबी. सेबी जो है प्रिस्क्राइब करेगी कौन क्या कौन कौन से कंटेंट होने चाहिए एब्राइज प्रोस्पेक्टस में. एब्राइज प्रोस्पेक्टस की जो डेफिनेशन है दैट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1. पहली डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में वो एब्राइज प्रोस्पेक्टस की है. एब्राइज प्रोस्पेक्टस का मींस अ मेमोरेंडम which contain such silent features, limit details of prospectus which as may be specified by as may be specified by SEBI. यानी एब्राइज प्रोस्पेक्टस के अंदर जो डिटेल है वो कौन स्पेसिफाई कर रहा है? SEBI स्पेसिफाई कर रहा है. बट द SEBI इज सेइंग दैट कि अगर ये आपके अंदर डिटेल है देन इट्स ओके. अगर डिटेल नहीं है मतलब एब्राइज प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर वो डिटेल कौन बताएगा? SEBI ने बताई हुई है भाई ये डिटेल्स आपको डालनी है. मैंने ये बताया इट इज अ समरी ऑफ प्रोस्पेक्टस. या फिर छोटू प्रोस्पेक्टस. सेक्शन नंबर 13 कहता है दैट एन एप्लीकेशन फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटी शुड बी अकंपनी बाय द एब्राइज प्रोस्पेक्टस. एक कंपनी जो है अपने शेयर्स एप्लीकेशन फॉर्म या सिक्योरिटी एप्लीकेशन फॉर्म जब भी मतलब सिक्योरिटी दे सकती है जब उसके साथ क्या कंपनी होगा एब्राइज प्रोस्पेक्टस ए कंपनी होगा. तो मैं लिख सकता हूं सिक्योरिटी एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी अकंपनीड बाय and सिक्योरिटी एप्लीकेशन फॉर्म किसके साथ कंपनी होगा बेटा? एब्राइज प्रोस्पेक्टस के साथ. इन केस ऑफ डिफॉल्ट कर दिया देन पेनल्टी है 50,000 पर डिफॉल्ट. 50,000 पर डिफॉल्ट के आपके ऊपर क्या लग जाएगी? पेनल्टी लग जाएगी. जब मैं इस टॉपिक को मैंने पढ़ा आगे देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहां पे आपको एब्राइज प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं है. दिस सेक्शन फर्दर स्पेसिफाइज दैट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस Abridged prospectus need not to be issued. वो कौन कौन से circumstances हैं जो abridged prospectus को issue करने की जरूरत नहीं है? First,
in case of private placement. जहां मैं कह सकता हूं when securities are not issued to public, जब securities आप public को issue नहीं कर रहे हो उस केस के अंदर there is no requirement that that security application form must be accompanied with the किसके साथ Abridged prospectus. Abridged prospectus must be accompanied with the security application form. या फिर आपकी कंपनी ने किसी बंदे को इनविटेशन दिया है, आओ हमारे साथ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में एंटर करो, आओ हमारे साथ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में एग्री एंटर करो, उसके लिए आपको Abridged prospectus इशू करने की देने की जरूरत नहीं है. When you are inviting the any person to enter into an underwriting in underwriting agreement, then in that case the Abridged prospectus need not to be issued. The Abridged prospectus is not required to be issued in two circumstances. The first is when securities are not issued to the public, and second is when you have made an invitation to, when you are inviting the other person to enter into an underwriting agreement, then you are not required to issue the, then you are not required to issue the, kya issue ki zarurat nahi hai, then you are not required to issue the kya Abridged prospectus. Invitation to a person to enter into an underwriting agreement. इस केस के अंदर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू इश्यू द अंडरराइटिंग Abridged prospectus. अगर किसी बंदे को prospectus चाहिए तो वो कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकता है, कंपनी जो उसको अवेलेबल करवा सकती है. वंस अगेन Abridged prospectus क्या होता है, एक छोटू prospectus. कौन सा prospectus होता है, छोटू प्रोस्पेक्टस. क्या होता है Abridged prospectus, एक छोटू प्रोस्पेक्टस होता है. क्या होता है Abridged prospectus, एक छोटू प्रोस्पेक्टस होता है जो एक समरी होता है. हर सिक्योरिटी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसको अटैच करना जरूरत है, पर नहीं करोगे तो पेनल्टी 50,000 की लग जाएगी. किन सर्कमस्टांसिस में हम इशू नहीं कर सकते, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, किन सर्कमस्टांसिस में हमें Abridged prospectus इशू करने की जरूरत नहीं है, जब हम सिक्योरिटीज पब्लिक को इशू कर रहे हैं या पब्लिक को इशू नहीं कर रहे हैं, या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं किसी और पर्सन को इन्वाइट कर रहे हैं कि आओ हमारे साथ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में एंटर करो, उस केस में आपको Abridged prospectus इशू करने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज आपको Abridged prospectus इशू करने की क्या है, जरूरत है. यहां तक क्लियर होंगे ना? ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक के लिए बी रेडी, तब तक ले बाय, टेक केयर, शुभ घर, जय हिंद.